हम बात कर रहे हैं क्यूपिट लिमिटेड की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो क्यूपिट में जो गिरावट का सिलसिला था वो अब भी लगातार हमको नज़र आ रहा है, कंटिन्यू होता नज़र आ रहा है। 1% तक की गिरावट के साथ स्टॉक ने हमको क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 84 के सपोर्ट को और कहा गया था कि स्टॉक इसका भी ब्रेक डाउन करता नज़र आ सकता है, क्योंकि लगातार सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। और 84 के ब्रेक डाउन के बाद हमने 80 तक के फॉल को, गिरावट को डिस्कस किया था। और देख सकते हैं स्टॉक ने कहां से सपोर्ट लिया, 8250 के लेवल से अब सपोर्ट लेकर जंप आया है। तो पहले जो इसका सपोर्ट हुआ करता था, अब रेजिस्टेंस का काम करता नज़र आ रहा है। कौन सा लेवल? 84 का लेवल। तो थोड़ा सा हम चार्ट पैटर्न को वन डे कैंडल स्टिक पर जाकर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक ने पहले जहां सपोर्ट लिया था 84 का लेवल, इसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन किया। अब यही इसके रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 80 तक का फॉल अब हमको स्टॉक दिखा सकता है। यहाँ से गिरावट अगेन देखने के लिए मिल सकती है, जंप के साथ स्टॉक रिजेक्शन दिखा सकता है। जंप आया है लेकिन अब भी हमको यहाँ बुलिश नहीं होना है, अब भी इसका चार्ट पैटर्न गिरावट का ही सिग्नल दे रहा है। तो 80 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है। 80 के लेवल पर अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है, 80 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में फिर खेल पलट सकता है। अगर 80 के लेवल को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर हमको 75 से लेके 70 तक का फॉल स्टॉक दिखा सकता है, लगातार गिरावट में स्टॉक। तो यहाँ से आप भी फ्रेश बाइंग के लिए इससे तो दूर रहना ही ठीक रहेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली गिरावट स्टॉक दिखाता नज़र आ रहा है। छोटा मोटा जंप आ रहा है, रिटेल इन्वेस्टरों को ट्रैप किया जा रहा है, अगेन गिरावट दिखाई जा रही है। अगर स्टॉक बाउंस बैक करता है तो अब एटलीस्ट 90 का लेवल, जहां से इससे पहले रिजेक्शन देखने के लिए मिला था, 90 का लेवल 90 9250 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर फिर हमको 2-3 दिन सस्टेन होता नज़र आता है तो वैसी कंडीशन में फिर रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन स्टॉक यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा, यहाँ से गिरावट दिखाएगा, 80 तक का फॉल हमको देखने के लिए मिल सकता है। 80 के लेवल से फिर चांस बनेंगे, लेकिन 80 के लेवल पर भी हमको एंट्री से थोड़ा सा दूर ही रहना है। इसके पहले ट्रेंड के कन्फर्मेशन लेना है ट्रेंड का, उसके बाद यहाँ फिर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।